नगर से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर वो आदि शक्ति माँ दुर्गा का पावन दरबार है, जहाँ रेणुका माता की कृपा से प्रतिदिन किसी न किसी भक्त की मनोकामना पूरी होती ही रहती है। जिस छावल रेणुका मंदिर में आज भक्तगण सिर झुका रहे हैं, वहीं ईश्वर ने अपनी लीलाएं रची थीं, जहाँ सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु श्री रेणुका माता के दर्शन करने आते हैं। देवी रेणुका भगवान परशुराम की जननी है। माँ हर रूप में धन्य है, लेकिन जिस माँ ने साक्षात नारायण को जन्म दिया, उनकी महिमा तो देवताओं से भी बढ़कर है। देवी रेणुका ने इस संसार को परशुराम जैसा उपहार दिया था। उनके इस उपहार को नमन कर रहा है सूर्य पुत्री ताप्ती नदी और सतपुड़ा की गोद में बसा ये प्राचीन छावल माता मंदिर। यहाँ अपनी वैभवशाली सत्ता के साथ विराजी रेणुका देवी की भक्ति में, उपासना में जीवन के चार पुरुषार्थ छिपे हुए हैं। इसीलिए भक्तगण देवी की आराधना करना ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त करना समझते हैं। यहाँ की छावल रेणुका माता की जो भी भक्त सच्चे मन से भक्ति पूर्वक 5 यात्राएं करता है, माँ की कृपा से उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है। इसीलिए छावल वाली माता को कल्प वृक्ष के रूप में पूजा जाता है। देवी के बारे में यहाँ के लोगों की मान्यता है कि माँ रेणुका देवी दिन में 3 बार रूप बदलती है। सुबह माता का मुख बाल्य मंडल अर्थात बाल्य अवस्था का होता है। दोपहर में मुख मंडल यानी युवा स्वरूप दिखाई देता है और सांझ ढलते ही वृद्ध अवस्था का दिखाई देता है। कहते हैं कि आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व छावल गांव की पहाड़ी पर एक संत महात्मा तप किया करते थे। गांव के आसपास जंगल घना होने के कारण यहां जंगली हिंसक जानवर विचरण किया करते थे, जिसकी वजह से गांव में यह बातें फैली हुई थी कि जिस पहाड़ी पर साधु महात्मा साधना कर रहे हैं वहां शेर घूमता रहता है। इस तरह संत महात्मा ने देवी की कई वर्षों तक साधना की। एक दिन संत महात्मा को सपना आया। माँ जगदम्बा ने कहा कि सामने की पहाड़ी पर पत्थर को चीरकर मेरी मूर्ति प्रकट हुई है, तुम जाकर पहाड़ी पर मेरी मूर्ति की खोज करो और इस गांव के भक्तों को मेरी सेवा करने के लिए कहो। माँ जगदम्बा ने आगे कहा, बालक मेरे भक्त मुझे एक वीरा, रेणुका, कुल स्वामिनी, जगदम्बा, आदिशक्ति, माहूरगढ़ देवी, यल्लमा देवी आदि नामों से पुकारते हैं। मैं ही जगत माता हूँ, जग कल्याणी हूँ। इस छावल गांव में प्रकट होने की वजह से मेरे भक्त मुझे छावल वाली रेणुका माता के नाम से जानेंगे। इस तरह वह संत महात्मा छावल गांव के लोगों से मिलकर स्वप्न में माता के बताए आदेश को बता रहे थे कि संत महात्मा को देखकर गांव के लोगों की भीड़ जुट गई। गांव के कुछ जागरूक लोगों ने संत महात्मा की बातों पर गौर करते हुए मूर्ति की तलाश करने का निर्णय लिया। इस तरह संत महात्मा के साथ गांव के लोग जंगल की पहाड़ी पर मूर्ति की तलाश करने लगे। मूर्ति की तलाश करते हुए झाड़ियों के बीच माता रेणुका देवी की स्वयं भू प्रकट हुई मूर्ति मिली, जो स्वयं पत्थर को चीरकर प्रकट हुई थी। माता की मूर्ति को देख गांव के लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सारे गांव के लोग माँ रेणुका की भक्ति करने लगे। आसपास के गांव को माँ रेणुका के प्रकट होने की सूचना मिली तो भक्तों की भीड़ स्वयंभू प्रकट हुई माता की मूर्ति देखने के लिए जुटने लगी। छावल गांव की माँ रेणुका पर अटूट श्रद्धा आस्था रखने वाले भक्तों ने यहाँ अश्विन और चैत्र नवरात्रि पर मेले का आयोजन करना आरंभ किया। दूर दूर से भक्तगण माँ रेणुका देवी के दर्शन आते और दान पेटी में कुछ दान डालते। उसी धन राशि से छावल गांव के भक्तजनों ने माँ रेणुका देवी का प्यारा सा मंदिर बनवाया। छावल गांव के भभूतगिरी परिवार के एक भक्त द्वारा माँ रेणुका देवी के मंदिर की देखरेख व माँ रेणुका देवी की सेवा करना आरंभ किया। इनके स्वर्गवास के बाद इनके पुत्र लक्ष्मण गिरी ने माँ रेणुका मंदिर में सेवा दी। लक्ष्मण गिरी भक्त के देहांत के बाद उनके पुत्र गणेश गिरी और पूरण गिरी द्वारा वर्तमान में छावल माता की सेवा।